गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार आप कंफर्म कर देंगे स्क्रीन दिख रही है आपको और यू कैन हेयर मी एज वेल, राइट? बस हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 मिनट में। ओके, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? ओके, थैंक यू सो मच। मैं अभी फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, सो लेट मी जस्ट एंड द लाइव अगेन। ओके, एंड मैं स्क्रीन को मैक्सिमाइज करता हूँ यहाँ से। ओके, बिलीव यू कैन सी माई स्क्रीन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। एज यू ऑलरेडी नो कि आज की हमारी ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट को लेके है, एंड इफ यू हैव बीन फॉलोइंग डेडिकेटेडली ऑल आवर ट्रेनिंग्स, तो हम बिल्कुल सारपियो से शुरू करते हैं, फिर हम प्रॉस्पेक्टिंग पे फोकस करते हैं, फिर हम बेसिक्स एंड लीड जनरेशन की बात करते हैं, फिर हम इवेंचुअली रिक्रूटमेंट पे आते हैं। तो एनीवन जिनको भी डिजिटली काम करना है, उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेनिंग्स को थोड़ा सीरियसली ले लो, और जो भी ट्रेनिंग में हम चीज़ें आपको सजेस्ट करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्लान बनाया है फॉर द मंथ ऑफ जून, क्या क्या डिजिटल ट्रेनिंग्स होंगी। बट यस, फॉर द मंथ ऑफ जून मैं बिल्कुल सीरीज में जाऊंगा फिर से, और मैं बहुत टू द पॉइंट कंटेंट रखूंगा, और ऐसा कंटेंट, ऐसी ट्रेनिंग जो अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करोगे तो आपका एक फुल फ्लेश्ड ऑनलाइन वर्किंग सिस्टम खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी ऑन टू दैट पार्ट। बट यस, व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज दैट कि हर ट्रेनिंग में आप अपने लिए कुछ कोर एलिमेंट्स पिक करो जिन पे आपको खुद आगे जाके काम करना है, जो आप सीख सकते हो और अपने बिजनेस के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो। आज की ट्रेनिंग अगेन बहुत क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि सारपीओ में हमने बहुत क्लियरली कहा था कि ये जो बिजनेस है ये तभी फ्लरिश होगा, ये बिजनेस तभी सस्टेन होगा अच्छे से, जब आपके पास सिस्टम है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज बेसिकली आपके पास क्या क्या मेथड्स हैं, आपके पास क्या क्या टूल्स हैं जिनके बेसिस पे आप ये बिजनेस कर पाते हो। ओके, और हमने सारपीओ में बहुत क्लियरली कहा था कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रॉस्पेक्टिंग कि आप लीड्स कहां से लेके आते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिक्रूटमेंट फनल होना चाहिए, और रिक्रूटमेंट के बाद आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेवलपमेंट मॉड्यूल भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगी आपकी प्रॉस्पेक्टिंग को, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा डिजिटल स्पेस में। तो तभी मैं यही कहूंगा फिर से कि अगर आपको काफी तेजी से बिजनेस बढ़ाना है, जो कि आज मैं आपको बिल्कुल इलस्ट्रेट कर दूंगा कि आप रिक्रूटमेंट कितना मास कर सकते हैं, आप कितने ज्यादा लोगों को डेली बेसिस पे रिक्रूट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके सिस्टम में राइट एलिमेंट्स हैं। और रिक्रूटमेंट के लिए दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक आपके पास बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही वेल रिटन, बहुत ही टैक्टिकल बिजनेस टेम्पलेट हो, यानी आपके रिक्रूटमेंट टेम्पलेट, और दूसरा जो भी आपका अपॉर्चुनिटी मीटिंग है इट हैज टू बी रियली रियली टू द पॉइंट एंड वैल्यू यू नो क्रिएटिंग। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास एक अच्छे बिजनेस टेम्पलेट्स हैं, आपके पास अच्छा एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, देन आप लोगों को रिक्रूट इजिली कर पाओगे। नाउ इमेजिन आपके पास ना ही टेम्पलेट्स हैं, ना ही आपके पास एक रिक्रूटमेंट मीटिंग है, देन यू विल स्ट्रगल। आप लोगों से चैट करते रहोगे, लोगों को कॉल करते रहोगे, और ये एक अच्छा कंसोलिडेटेड तरीका नहीं है रिक्रूटमेंट बढ़ाने का। सो आज की ट्रेनिंग में मैं आपको एग्जैक्टली कहूंगा कि रिक्रूटमेंट के टिप्स क्या क्या है, हम सोशल मीडिया पे किस तरीके के लीड्स को अट्रैक्ट करते हैं,
और हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा रहना चाहिए उनको रिक्रूट करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिक्रूट करने के लिए हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे हमारे सैम्पल रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स होते हैं या हमारा OM है, उसमें आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो प्लीज़ पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। क्यों? क्योंकि जितना आपका रिक्रूटमेंट बेटर होगा, इवेंचुअली आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, अब तो मुझे और मास प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मुझे तो अब दिन की 200-300 लीड भी चाहिए। लेकिन अभी अगर मेरे पास सिस्टम नहीं है तो मेरा प्रोस्पेक्टिंग में कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा, मुझे पता ही नहीं होगा कि यार पता ही नहीं कितने लोग अप्रूव ये रिक्रूट होंगे कितने नहीं होंगे। लेकिन सिस्टम आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, सिस्टम एक स्ट्रांग फाउंडेशन देता है आपके बिजनेस को। और चाहे आप प्रोस्पेक्टिंग की बात करें, आप रिक्रूटमेंट की बात करें या आप ट्रेनिंग्स की बात करें, तीनों चीज़ों में आपको अपना जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग बनाना है, तभी जाके आप एक स्ट्रांग डिजिटल लीडर बन पाओगे। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये मैंने बहुत पहले भी इस स्लाइड को प्रेजेंट किया है। तो नाउ इमेजिन सोशल मीडिया फनल की जब हम बात करते हैं, तो जो भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, चाहे वो फेसबुक पे हैं, वो इंस्टाग्राम पे हैं, वो लिंक्डइन पे हैं, वो यूट्यूब पे हैं, वो हमारा पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स है, राइट? उसी में हमें लोग मिल जाएंगे। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है कि मैं क्या करूं, मैं वैल्यू क्रिएशन करूं। जैसे मैंने प्रोस्पेक्टिंग में बहुत क्लियरली कहा था कि पेज सेट करो, प्लान के साथ पेज सेट करो, एंड देन आप वहां पे वैल्यूड कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दो। आप अपने प्रोफाइल से 5-6 दिन लोगों को 5-6 लोगों को पर डे बेसिस पे ऐड करते हो, फिर उन तक अपना बिजनेस कम्युनिकेट करते हो। जो लोग आपके साथ एंगेज होते हैं, आप उनके साथ पर्सनली कनेक्ट करके उनको कभी बिजनेस के बारे में बताते हो। तो ये जो है, ये एक स्लो तरीका है कि आप पब्लिक को वहाँ पे एंगेज करो, आप पब्लिक को वहाँ पे एंटरटेन करो, और वहीं से आपके दोस्त भी बनने लग जाते हैं, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, और उन्हीं में से आपकी लीड्स आती हैं। बट ऑन कंट्रास्ट, आप एडवर्टाइजिंग बहुत इंस्टेंटली शुरू कर सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पेड ग्रुप्स में पोस्टिंग शुरू कर सकते हैं, और वहाँ से भी आपको इंस्टेंटली लीड मिलना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब आपके पास लीड आती है, उसके बाद वो बन जाता है आपका प्रॉस्पेक्ट। Now you might ask me कि लीड और प्रॉस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है? There is just a minute difference. लीड होता है वन वे कम्युनिकेशन। Now for example, यहाँ पे किसी, समझो कि आपने कोई पोस्ट किया किसी ग्रुप में, या आपने एड चला लिया, राइट? या आपने प्रोफाइल पे ऐसे कोई पोस्ट करा था। Now मैंने वहाँ पे आपके एड पे या आपकी पोस्ट पे रिप्लाई किया या आपको मैसेज किया, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट। यानी जो ही मैंने आपका इंटरेस्ट दिखाया, तो मैं आपका लीड बन गया। ओके, सो आई बिकम अ लीड। नाउ आपको क्या करना होता है, आपको मुझे कन्वर्ट करना होता है प्रोस्पेक्ट में। जब आप मुझे वापस रिप्लाई करोगे, यानी जब कम्युनिकेशन टू वे बनेगा, उसके बाद मैं आपका प्रोस्पेक्ट बन जाता हूँ। नाउ इमेजिन मैंने आपको इंटरेस्ट दिखाया, हाई, वहां से आप भी लिखते हो हाई, देन इट्स नॉट इफेक्टिव वे टू यू नो कन्वर्ट समवन इन द प्रोस्पेक्ट। नहीं, आप एक पर्सनलाइज मैसेज भेजेंगे जो मुझे बता दे कि आप कौन हो, आपका बिजनेस क्या है। तो उससे क्या होगा, मुझे आइडिया मिलेगा कि क्या करना है आगे जाके, मुझे आपको और ज्वाइन रीच आउट करना है कि नहीं करना है। लेकिन अगर आप वहीं पे कहेंगे हाई, मैं भी हेलो लिखूंगा, देन यू नो वी ट्राई टू चैट, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दिन में इतने लोग रीच आउट करते हैं, इतनी लीड्स आती हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम वैल्यू क्रिएट कर पाए और सिर्फ फिल्टर कर पाए। फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने फिल्ट्रेशन को सही से समझा, तो आपका काफी ज्यादा जो टाइम एंड एफर्ट है वो बच जाएगा। कितनी बार आपने 3-3, 4-4 दिन किसी पर्टिकुलर लीड से बात करी होगी, और फिर आपको पता चलता है कि 4 दिन बाद वो कहते नहीं, हमें तो नहीं करना है, विच इज ओके, विच इज पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ एनी बिजनेस। बट अगर आप फिल्टर कर पाओगे सही से, तो आप जो भी ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, ऐसे लोगों से फॉलो अप करते रहते हो जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको आप पहले एलिमिनेट कर सकते हो। इट मींस दैट अगर आपकी फिल्ट्रेशन अच्छी है, आपका टाइम, आपका एफर्ट बच जाएगा, और आपका दिमाग खराब नहीं होगा कॉल करते करते या चैट करते करते ऐसे लोगों से। तो फिल्ट्रेशन इज की हियर, ओके? एंड सिमिलरली जब आप रिक्रूट करते हो, उसके बाद लीडरशिप डेवलपमेंट में भी फिल्ट्रेशन की होती है। ठीक है, अगर मेरे 10-20 रिक्रूट आ भी गए, लेकिन इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है पैसा अर्न करने की,
कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है और उनको मैं ट्रेन कर सकता हूँ, उनको मैं ग्रूम कर सकता हूँ और जल्दी से जल्दी उनको एक सीनियर मैनेजर बना लूँ, उनका एक गोल स्ट्रक्चर तैयार करूँ अपने नेटवर्क में। दिस इज लाइक यू नो हाउ द डिसिसिव लीडरशिप यू नीड टू पोर्ट्रे। और इसी से क्या होगा कि आप तेजी से ग्रो कर पाओगे। आवर बिजनेस इज नॉट अबाउट कि हम 1,000 लोग उसे काम कर रहे हैं एक साथ और उनमें हमें पता ही नहीं कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। इट्स बेटर इफ वी नो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे हम फोकस कर रहे हैं, राइट? सो दैट कम्स पार्ट ऑफ द रिक्रूट लीडरशिप डेवलपमेंट। बट सेम प्रिंसिपल अप्लाई जब आप इतनी सारी लीड्स के साथ बात करते हैं कि हम उनको रिक्रूट कैसे करें इस बिजनेस में। और एक बार जब हमारे पास प्रोस्पेक्ट आता है, वी अंडरस्टैंड कि या तो वो हमारे साथ वीआईपी कस्टमर बनते हैं या फिर हमारे वो, ऑफ कोर्स नाउ वी डू नॉट टॉक कॉल कंसल्टेंट, मुझे थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा अपनी प्रेजेंटेशंस को, यहाँ पे अब हमको ब्रांड पार्टनर बनाएंगे, राइट? लाइक यू आर आवर ब्रांड पार्टनर्स नाउ, अब हम कंसल्टेंट नहीं कहते हैं, अब हम ब्रांड पार्टनर कहते हैं, राइट? आई एम श्योर कि आप तक कम्युनिकेशन पहुंच गया होगा। एंड नाउ हाउ डू वी कन्वर्ट, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये प्रोसेस के बारे में कहा था कि दैट इज द आइडियल वे कि आप जब प्रोस्पेक्टिंग डिसाइड करते हो या अपना ऑनलाइन सिस्टम डिसाइड करते हो, सबसे पहले आप कहो कि आपको प्रोस्पेक्टिंग कहाँ पे करनी है। तो अगर आप फेसबुक पे फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो फेसबुक प्रोफाइल ऑर्गेनाइज करो, एक अच्छा टू द पॉइंट पेज क्रिएट करो, ग्रुप्स के लिए प्रोस्पेक्टिंग का प्लान बना लो, अपनी एडवर्टाइजिंग का प्लान बना लो। इससे क्या होगा, आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की लीड्स आना शुरू हो जाएगा अलग अलग जगहों से, राइट? और जब आपके पास लीड्स आ जाती हैं उसके बाद आपको आइडियली उन्हें अपने बिजनेस टेम्पलेट भेजने हैं जो उनको बता देंगे आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में, आपकी टीम के बारे में, आपकी स्टोरी के बारे में। उससे उनको आइडिया मिलेगा बहुत हद तक कि आप क्या करते हो, आप किन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो। एंड फाइनली आपको उन्हें रिक्रूट करना है थ्रू कॉलिंग, थ्रू चैटिंग एंड थ्रू ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स एज वेल, जो आप वेबिनार पे इजीली होस्ट कर सकते हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ऑनलाइन प्रोसेस की, लेकिन आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, चाहे आप ऑनलाइन की बात करें या ऑफलाइन की बात करें, देर आर सर्टन क्रिटिकल प्रिंसिपल्स जो हमें हमेशा देखने होते हैं रिक्रूटमेंट को लेके, चाहे हम ऑफलाइन करें चाहे हम ऑनलाइन करें। बट द थिंग इज दैट लाइक यू नो, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो लॉट ऑफ पीपल जस्ट लूज द एसेंस, वो भूल जाते हैं कि अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी सीरियस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा एक प्रॉपर अप्रोच हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दूसरों की तरफ रेस्पेक्टफुल होते हैं, उनके टाइम की वैल्यू करते हैं। और यही प्रॉब्लम है कि मोस्ट ऑफ द केसेस हम बिल्कुल कैजुअली लेते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग को, हम बहुत कैजुअली लेते हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट को। दैट इज कुड बी अ वेरी मेजर रीजन कि हमारा रिक्रूटमेंट लाइक यू नो इट सक्स, दैट कुड बी अ वेरी मेजर रीजन कि हमें बहुत चैलेंज होता है रिक्रूट करने में। मे बी यू आर बींग टू कैजुअल, वी आर बींग टू लाइक यू नो not having a properly defined approach to recruit. Why? क्योंकि usually हमें देखता है कि लोग तीन चीजें डिमांड करते हैं जब हमें रिक्रूट करना होता है। फर्स्ट, दे वॉन्ट टू फील रेस्पेक्टेड फॉर हु दे आर एंड देयर वैल्यूज ऑनर्ड, चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन की बात करो, पर्टिकुलरली ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। Why? क्योंकि जब आप किसी से ऑफलाइन मिलते हो तो आप ड्रेसअप होके जाते हो, अच्छे से तैयार होके जाते हो, उनको किसी अच्छी जगह पे मिलते हो, उनको बिजनेस समझाते हो, उनको उनसे स्माइल करके प्यार से बात करते हो, राइट? लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है, गिव मी योर नंबर, हु आर यू, सो ऐसे जब हम बात करते हैं तो जो वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है, जो एक पर्सनल ब्रांड की हम बात करते हैं उसका इम्पैक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो चाहे हमारे पास कोई ऑनलाइन स्पेस से भी आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर बीइंग रेस्पेक्टफुल फॉर देम। रिक्रूटमेंट में अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है पर्सनलाइज्ड मैसेज, यानी जब आप मुझे मैसेज करते हो पहली बार तो आप क्या लिखते हो। इफ इट इज लाइक यू नो हाई कैन आई हैव योर नंबर, यू हैव लॉस्ट द वैल्यू। बट इफ लाइक यू नो ए हाई सफीर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट, आई एंड मेरी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है टू हैव यू एज यू नो मेंबर, येस आई एम श्योर कि आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, आपके कुछ क्वेरीज होंगे, तो आप मुझे अच्छा सा सजेस्ट टाइम करो, मैं आपके साथ बात कर दूंगा एंड वी कैन एक्चुअली क्लियर ऑल अवर डाउट। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नो हाउ डू यू कन्वे यूअर बिजनेस टू पीपल, वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है आपके रिक्रूटमेंट में। तो इससे क्या होता है, जब आप मुझे अपने नाम से बुलाते हो, आप मुझे एक स्पेशल मैसेज करते हो,
तो इससे क्या होता है कि मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, दीज पीपल नो देयर बिजनेस, इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सबको एक ही मैसेज भेज रहे हो, हाय ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, और वहां पे व्हाट्सएप का लिंक देते हैं, दैट थिंग डज नॉट वर्क, इट्स नॉट सस्टेनेबल। लॉन्ग रन में आपका व्हाट्सएप ही ब्लॉक हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप ऑलरेडी ब्लॉक हो रहा है, राइट? सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। दूसरी चीज, आपको रिक्रूटमेंट पे फोकस नहीं करना है, दैट इज अगेन अ मेजर मिस्टेक मोस्ट ऑफ अस डू। हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहता है, अरे यार बस कहीं ना कहीं से ये ज्वाइन कर ले, ऑर्डर प्लेस कर ले। नहीं, ये सिस्टम वर्क नहीं करता है। मे बी वो आपकी बातों में आ गए, उन्होंने रिक्रूट भी हो गए, लेकिन जब वो आपका सिस्टम देखेंगे, जब वो आपका एटीट्यूड देखेंगे, वो ऑर्डर नहीं प्लेस करेंगे, वो कहीं और जाएंगे, या वो बिल्कुल डिस्गस्ट करेंगे, नहीं हमें तो ऑरिफ्लेम नहीं करना। व्हाई? क्योंकि इसका मेजर रीजन ये है कि हम सिर्फ उनको रिक्रूट करना चाहते हैं। अगर आप इस प्लान के साथ जाते हो, अगेन इट विल नॉट वर्क। आपको उनको दिखाना है कि सी आई केयर फॉर यू, आई नो आप एक वर्किंग मॉम हो और आप पे कितना प्रेशर है, फैमिली भी मैनेज करनी है, बिजनेस भी मैनेज करना है, आई केयर फॉर दैट थिंग। वाई? क्योंकि मैं खुद भी इन चीजों के साथ रिलेट करती हूँ। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप बेटर अर्निंग, बेटर लाइफ स्टाइल और अपने साथ साथ इतने सारे लोगों को एम्पावर कर सकते हो। आई एम हेयर टू हेल्प यू, ये एटीट्यूड होना चाहिए, नॉट कि मुझे तुम्हें रिक्रूट करना है। तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास किस तरीके के प्रोस्पेक्ट्स आते हैं और उनको कम्युनिकेट करो। दैट्स वाई बिजनेस टेम्पलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो आपको एक हल्का सा यहाँ पे सैंपल दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट से बात करोगे तो इसमें काफी अच्छा डिजाइन, काफी अच्छी राइटिंग, काफी अच्छे क्रिटिकल पॉइंट्स आप लिख सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप सोसाइटी को बैक देते हो, आप एक सस्टेनेबल कंपनी के साथ काम करते हो, आपने इतने लोगों को एम्पावर किया और वहां पे अच्छी स्टोरीज डिस्प्ले होती है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, एंड दीज आर नॉट समथिंग जो आप एक दो घंटे में क्रिएट कर पाओगे। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ चीजें आउटसोर्स कर लो। आप टॉक टू द फ्रीलांसर्स, टॉक टू द एजेंसीज, अपने अच्छे बिजनेस टेम्पलेट बना लो, उनको कहो कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरीके की लीड्स आती हैं, आपको क्या पोर्ट्रे करना है, तो आपका काफी हद तक काम आसान हो जाएगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि नहीं, जो भी आपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाए उसके तो रिक्रूटमेंट ऐसे हो जाएगा, नहीं। लेकिन रिक्रूटमेंट टेम्पलेट जितना अच्छा है आपका, उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा, उतना आपका बेटर लीड फिल्ट्रेशन होगा, उतना आपका टाइम सेव होगा वहां पे। अभी आई एम श्योर कि जो अभी तमिल अवार्ड क्लास हो गई थी मिस्टर हाई की, मिस्टर हाई ने कितना क्लियरली अपना सिस्टम एक्सप्लेन किया, एंड रिक्रूटमेंट को लेके ही वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक। उन्होंने मेंशन किया कि 50 लोग मना करते हैं, उसके बाद 2 लोग रिक्रूट हो जाते हैं, और यहाँ पे वी लूज पेशेंस। हम 10 लोग मुझसे बात करते, वो मना कर देते, हम कहते हैं ये तो वर्क ही नहीं करता है। नहीं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी हमें थोड़ा कंसिडरेशन में लेना है, और हमें देखना है कि लाइक यू नो हम अपने रिक्रूटमेंट रेट को बेटर कैसे कर सकते हैं। बट डोंट लूज हार्ट, डोंट फिगर आउट कि नहीं एड चलाया था, 20 लीड आ गई, कोई भी रिक्रूट नहीं हुआ। टाइम लगता है, मे बी हमारा अप्रोच रॉन्ग है, मे बी हम ही वीक है, हमारे पास राइट यू नो कंटेंट सिस्टम नहीं है, हमारे पास राइट रिक्रूटमेंट मैटर नहीं है। सो इट्स अबाउट लाइक यू नो बीइंग वेरी इंट्रोस्पेक्टिव एंड थिंकिंग कि हम में कोई खामियां तो नहीं है, हम कुछ चीज गलत तो नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई एक्सपर्ट सजेशन मैटर। देन थर्ड ऑफ कोर्स, जब आप एक एस्टैब्लिश करते हो कनेक्शन विद समवन, उनको लगता है कि नहीं आप पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं और आपके साथ जुड़ के वो सक्सेसफुल बन सकते हैं। और अगर आज देखा होगा ना, आज के टाइम में जो भी लोग हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, वो बहुत बहुत कॉशियस हो गए हैं। अब वो ऐसे नहीं कि आपको मुझको ज्वाइन कर लेंगे, वो पहले कंपेयर करेंगे, वो देखेंगे अरे इस नेटवर्क में क्या हो रहा है, इस लीडर के, इस यू नो ब्रांड पार्टनर के नेटवर्क में क्या हो रहा है, इस ब्रांड पार्टनर के नेटवर्क में क्या हो रहा है, किसकी कितनी सक्सेस है, उसके बाद वो कॉल लेते हैं कि उनको किन्हें ज्वाइन करना है। थिंग्स आर चेंजिंग, दैट्स वाई हैविंग अ नाइस प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, टॉकिंग अबाउट योर सक्सेस स्टोरीज, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी टीम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीजें लोगों को आइडिया देती है कि आपका इम्पैक्ट कितना है बिजनेस पे।
तो अगर आप देखो कि हर एक चीज कनेक्टेड है, हर एक चीज आपको मदद कर सकती है रिक्रूटमेंट में, तो जो हम आपको कहते हैं कि नहीं सोशल मीडिया पे अपना अच्छा प्रेजेंस बना लो, अपने टीम की बात करो, अपने बिजनेस की बात करो, टेस्टिमनी शेयर करो, हम क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो भी कंज्यूमर है, जो भी हमारा एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है, वो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ज्वाइन कर लेगा आपको, नहीं, वो आपको पहले सोशल मीडिया पे चेक करेगा, वो किसी और को भी देखेगा, और इमेजिन आपने उनको कन्विंस भी करा लेकिन उनको किसी और का नेटवर्क अच्छा लगा, उनको किसी और का सिस्टम अच्छा लगा, उन्होंने आपको ज्वाइन ही नहीं किया। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम हर एक चीज को साथ में लेके चलें, और हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हों, हमारा एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो जो हम बहुत इम्पैक्टफुल है और जो हमें रिक्रूटमेंट में मदद करे। तो ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑनेस्टली जब भी आप अपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट को डिजाइन करोगे, जब भी आप अपने ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट को सॉरी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग को डिजाइन करोगे, जब भी आप अपना एक रिक्रूटमेंट प्लानर बनाओगे, इन तीन चीजों को ध्यान में रखना। ये तीन कंपोनेंट दे शुड बी ऑब्वियस आपके रिक्रूटमेंट सिस्टम से कि ये तीनों चीजें हो रही है। आप लोगों को रेस्पेक्ट भी दे रहे हो, आप उनको दिखाते भी हो कि यू केयर फॉर देम, यू आर देयर टू हेल्प देम, एंड ऑल्सो कि आप हमें ट्रस्ट कर सकते हो कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो हमारे साथ ही फुलफिल होंगे बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज, अगर आप इन तीनों चीजों को अच्छे से डिस्प्ले करते हो, पोर्ट्रे करते हो, आपका रिक्रूटमेंट स्काई रॉकेट हो जाएगा एंड यू विल बी। और अभी देखो कितने चेंज हो रहे हैं प्लानिंग में, कितनी लाइक यू नो कंपनी इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स कि ज्यादा से ज्यादा लोग हायर टाइटल्स की तरफ जाएं, प्रेसिडेंट टाइटल यू नो टच करें लोग, और वो प्लान बनाने के लिए आपको भी अपने एंड से तैयारियां करनी है, आपको भी अपना एक प्रॉपर प्लानर बनाना है कि अगर मुझे एक प्रेसिडेंट बनना है ऑरिफ्लेम के साथ, कितनी मेहनत करनी है, कितना रिक्रूटमेंट लाना है, कितने नए यू नो डायमंड्स क्रिएट करने हैं इवेंचुअली, राइट? और विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मे बी आप एक शॉर्ट टर्म विजन रखो गोल डायरेक्टर का, और उसके बाद सीधा यू नो डायमंड का, और फिर प्रेसिडेंट का, जस्ट वर्क इन सक्सेशन। जरूरी नहीं कि आप डायरेक्टली डायमंड के विजन रखोगे, नहीं, गोल्ड डायमंड एंड देन प्रेसिडेंट, एंड इट्स वेरी मच अटेनेबल नाउ। आपके पास सिस्टम है, आपके पास पैशन है, बस ये दो चीजें चाहिए आपको, देयर इज नो स्टॉपिंग उसके बाद। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट, इट विल बी नॉट अ गुड आइडिया कि अगर हम डिस्कस ना करें कि ऑनलाइन हमारे पास लीड्स कैसी आती है। तो जब हम देखते हैं यूजुअली ऑनलाइन में हमारे पास तीन टाइप के लीड्स आते हैं, एक को कहते हैं हम कोल्ड लीड्स, दूसरे को हम कहते हैं वार्म लीड्स, और तीसरे को हम कहते हैं क्वालिफाइड लीड्स। नाउ डिफरेंस क्या होता है कोल्ड लीड, वार्म लीड और क्वालिफाइड लीड में? सी, किसी ने पिक्चर अपलोड करी, देवर डूइंग ए मीटिंग और देवर डूइंग ए स्किन केयर ट्रेनिंग, देवर या उन्होंने अपनी टेस्टिमनी शेयर करी, तो कोई कहता है अमेजिंग, इंस्पायरिंग, या किसी ने लिखा ए लुकिंग ग्रेट, ए दिस इज सो वाव, राइट? तो जो लोग हमें वहां पे कमेंट करते हैं, हमारे कंटेंट को लाइक करते हैं, यानी हमारे साथ बस एंगेज होते हैं विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्वाइनिंग अवर बिजनेस और बाइंग से प्रोडक्ट फ्रॉम अस, उनको हम कोल्ड लीड्स कहते हैं। तो कोल्ड लीड्स के साथ हमें क्या करना है? वी शुड नॉट स्पेंड टू मेनी टाइम टू मच टाइम फॉर विद देम, जस्ट उनको रिप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपकी पिक्चर पे रिप्लाई किया, हे दिस इज सो पावरफुल, या आपने अपनी टेस्टिमनी शेयर करी थी और मैंने रिप्लाई किया दिस इज सो पावरफुल, और आपको लगता है क्योंकि आई डोंट नो दिस पर्सन कौन है, तो जस्ट रिप्लाई टू मी, ए हाय सफीर, थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स, हो गया आपका रिप्लाई, दैट्स इट। नो नीड टू लाइक यू नो फॉलो अप, उनको फिर मैसेज करो कि आप ज्वाइन करना चाहते हो, नो, जस्ट रिप्लाई टू दिस पीपल, एंगेज देम। वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब वो आपका एम्पावरमेंट देखेंगे, आपकी ग्रोथ देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको रीच आउट करेंगे कि क्या हम आपका टीम ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? देन द सेकेंड वन इज वार्म लीड्स, एंड वार्म लीड जो है ये है मैक्सिमम सेट ऑफ लीड जो हम अट्रैक्ट करते हैं ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया स्पेसिस में। वार्म लीड्स क्या होती है? वार्म लीड्स ऐसी लीड्स होती हैं जो इंटरेस्ट तो दिखाते हैं आपके बिजनेस एंड सर्विसेज में, लेकिन अभी उन्हें पता नहीं कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है, कैसे पैसा कमाना है, क्या डिजिटल बिजनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, राइट? किस टाइप का कंसल्टेशन आप है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो इंटरेस्ट तो दिखाते हैं लेकिन अभी उन्हें काफी ज्यादा डिटेल पता नहीं है,
और जो भी आपके पास लीड आती हैं, चाहे आपने फेसबुक ग्रुप से लीड्स आए आपके पास, किसी ने आपको फेसबुक मैसेंजर में रीच आउट किया, किसी ने आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट किया, या आपने एडवर्टीजमेंट चलाई, वो सारा जो आपके पास वहां से लीड्स आती हैं वो सारी होती हैं कौन सी लीड्स? वार्म लीड्स। तो वार्म लीड्स वो लीड्स होती हैं जो इंटरेस्ट तो दिखाती हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि वेदर वो रिक्रूट होंगे या नहीं होंगे, और उनको भी वो भी बहुत स्केप्टिकल होते हैं। वो कहते हैं हाँ चलो वर्क फ्रॉम होम देखा तो डिटेल दे दो, लेकिन उन्हें पता नहीं कि क्या काम है, कितना टाइम स्पेंड करना है, क्या बिजनेस प्लान है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द वार्म लीड। और तीसरा सेट ऑफ जो लीड्स है उसको हम कहते हैं क्वालिफाइड लीड्स। क्वालिफाइड लीड्स वो लीड होती हैं जो आपको रीच आउट करती हैं विद द सोल इंटेंशन कि वो आपके बिजनेस के बारे में कुछ हद तक जानते हैं, वो आपके बारे में कुछ हद तक जानते हैं, अब वो आपके साथ रिक्रूटमेंट मीटिंग के लिए रेडी हैं और आप उनको रिक्रूट कर लो, तो आप उनके साथ डायरेक्टली ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग होस्ट करो। तो आइडियली जो भी लोग आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट देखने के बाद आपको रीच आउट करते हैं वो आपकी क्वालिफाइड लीड्स बनती हैं, और जो भी आप जिन जिन लोगों के पास वेबसाइट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वेबसाइट है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो, आपका वहां पे प्रेजेंस इस तरीके से डिफाइंड हो कि आप वहां पे काफी अच्छे तरीके से रिक्रूट कर पाते हो लोगों को, यानी फिल्टर कर पाते हो लोगों को, और आपके पास सिर्फ क्वालिफाइड लीड्स आती है। आइडियली इफ यू आर गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव, या अगर आप डायमंड एंड अबव हो, तो आपके पास एक अच्छा टू द पॉइंट ऑप्टिमाइज बिजनेस वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इवेंचुअली अब हम डिजिटल जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप ट्रैफिक वाले ऐड रन कर सकते हो, डायरेक्टली लोगों को अपनी वेबसाइट पे भेजो। कोई भी कोई क्वेरी कर रहा है, अरे आपका बिजनेस क्या है, आप मेरी वेबसाइट चेक करो, दिस इज द लिंक टू माय वेबसाइट, एंड उसके बाद से फॉलो अप ले लो। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट बोरिंग है, आपकी वेबसाइट का जो कॉन्टेंट स्ट्रीम है वो अपीलिंग नहीं है, आपका जो ओवरऑल डिजाइन एंड लेआउट है वेबसाइट का वो क्लस्टर्ड है, लोग कहेंगे अरे ये तो पता नहीं क्या बेकार चीज है, दे विल बी रिपेल्ड, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे आपकी तरफ। तो तभी वेबसाइट जब बनवानी होती है तो देखना और एक्सपर्ट से बात करनी होती है कि कंटेंट कैसा रखना है, कि कौन कौन से कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि कल जितने भी लोग गूगल में ढूंढते हैं बिजनेस, उनको तो वेबसाइट ही दिखेगी आपकी फिर, और वो कैसे दिखेगी जब आप उसको ऑप्टिमाइज करोगे। तो दैट्स वाई जो जो लोग वेबसाइट के लिए स्ट्रगल करते हैं, या जो लोग काफ़ी ज़्यादा अब चाहते हैं कि नहीं मेरे पास एक अच्छा टाइटल है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेबसाइट जहाँ पे मैं अपने बिजनेस, अपनी टीम, अपने ट्रैवल, एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों की काफ़ी अच्छे से बात करूँ, देन आपके पास एक डायनामिक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है, और फिर आप एक्सपर्ट से प्लीज़ कंसल्ट कर लो। ऐसा नहीं कि आपने खुद देखा गोडेडी का ऐड आया और आपने 50 रुपये का डोमेन लिया या 2000 रुपये का, और फिर आपको पता ही नहीं वो डोमेन कितनी देर तक वैलिड है, और आपका अबाउट सेक्शन, आपकी पिक्चर, आपका यूआई, आपका डिज़ाइन, राइट? तो काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है यू नीड टू मेक श्योर कि उसमें आपको वैल्यू भी मिल रही है। दैट्स वाई हमेशा एक अच्छे एजेंट या एक अच्छे फ्रीलांस के साथ कॉन्टैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जो बिजनेस को भी समझते हैं ओरिफ्लेम के, जो आपको भी समझते हैं, तभी आपका काम सही हो जाएगा। ना इफ समवन डज नॉट नो कि ओरिफ्लेम क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, तो वो आपकी वेबसाइट को वो डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, ओके? बट यस, वेबसाइट इज इम्पॉर्टेंट अगर आपको क्विक रिक्रूटमेंट और काफी ज्यादा हद तक ऑटोमेट करना है अपने सिस्टम को। ना ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टूल्स हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, और इस टूल के बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी, और वो है सोशल मीडिया। वाई सोशल मीडिया? क्योंकि बाहर की कंट्रीज में ऑलरेडी ये चीज बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। आप वो क्या करते हैं, वो आपका सोशल मीडिया देख के अट्रैक्ट होते हैं और कहते हैं हमें तो इस वाले पर्सन के साथ ज्वाइन करना है, या आपको नई नई लीड सोशल मीडिया देख के मिलती हैं, उनको काफी वैल्यू दिखती है आपके, अरे आप बहुत अमेजिंग चीजें कर रहे हो, आप कहाँ कहाँ घूमते हो, इतनी सारी ट्रेनिंग्स करते हो, आपका घर पे जो होम डेस्क है आपका कितना अट्रैक्टिव लगता है, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं आपके बिजनेस की तरफ, और इन्हीं चीजों को आप शेयर करते हो सोशल मीडिया पे। ना इमेजिन आपका इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, वहां पे अच्छी हाइलाइट्स हैं, वहां पे अच्छा कॉन्टेंट है, तो कल को क्या होगा, अगर लोग आपके इंस्टाग्राम पे लैंड होते हैं, दे गेट अट्रैक्टेड,
तो आपका ऑटोमेटिकली रिक्रूटमेंट इजी होता है. वाई? बिकॉज उनको ऑलरेडी आइडिया है कि आप कौन हो, आपकी टाइमलाइन कैसी है, आप क्या क्या करते हो वहां पे, तो दे आर ऑलरेडी अट्रैक्टेड. वो क्वालिफाइड लीड्स आती है, तो ये एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट टूल है. वेबिनार, वेबिनार मैंने हमेशा कहा है कि बैकबोन है किसी भी डिजिटल आरपीओ का, और अगर आपको आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करना है तो वेबिनार का आपको बहुत हद तक यूज करना पड़ेगा. आप ऐड चला लो, डायरेक्टली लोगों को वेबिनार पे बुला लो, आप ऑनलाइन इवेंट करो और लोगों को वेबिनार पे बुलाओ, 200-200, 300-300 लोगों के साथ आप ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग होस्ट कर सकते हो. आप छोटे छोटे ग्रुप्स में भी यू नो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग कर सकते हो वेबिनार पे. अगेन, अभी अगर आपको किसी टूल पे काफी ज्यादा फोकस करना है, वेबिनार फॉर रिक्रूटमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी, क्योंकि ये आगे जाके भी बहुत ट्रेंड में रहने वाला है. और अभी हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि चीज़ें कैसी रहेंगी फ्यूचर में भी. हम न्यूज़ देखते हैं तो काफ़ी डिप्रेसिंग न्यूज़ है, तो हमें लगता है कि काफ़ी टाइम तक इम्पैक्ट रहेगा इस चीज़ का. लाइफ विल अगेन रेस्टोर बैक टू नॉर्मल, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में लिमिटेशन रहेगी एंड लोग प्रेफर नहीं करेंगे घरों से बाहर जाना, इतना ज़्यादा सोशलाइज करना, और इतना फ्री होके जी नहीं पाएंगे काफ़ी टाइम तक. तो जो डिजिटल टूल्स हैं ये बैकबोन है आपके पूरे बिजनेस सिस्टम का. और जो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग अभी भी बस लाइक यू नो कैजुअली ले रहे हैं इन सारी चीज़ों को, आपको फिर दिखेगा आगे जाके लाइक यू नो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि अगर आप टाइमली वर्क नहीं करते हो अपने आप को अपग्रेड करने में. देन ऑफकोर्स व्हाट्सएप भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिक्रूटमेंट टूल है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जब लीड आपके पास डायरेक्टली व्हाट्सएप में आती है तो आप उनके साथ वॉइस नोट शेयर कर सकते हो, आप उनके वीडियो मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आप अपने टेम्पलेट शेयर कर सकते हो, आप अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग शेयर कर सकते हो. तो ये काफ़ी अच्छा टूल है जहाँ से आप उनको रिक्रूट कर सकते हो. मैंने ऑलरेडी वेबसाइट की बात करी कि अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, वहाँ पे लीड फिल्ट्रेशन होता है, आपका पर्सनल ब्रांड अच्छे से डिस्प्ले होता है, तो डायरेक्टली जो भी लोग आपका वेबसाइट देखते हैं वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, और उनको आप अपने OM थ्रू रिक्रूट कर लो. एंड ऑल्सो कॉलिंग विल नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल, बट यस, कॉलिंग का एक डेफिनेट टाइम होता है. अगर आप पहली बार ही मुझे कॉल करोगे मैं आपका कॉल नहीं उठाऊंगा, लेकिन हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे चैट किया या मैसेंजर पे 2-3 दिन चैट किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, या फिर आप मेरे OM में आए थे, उसके बाद आई कैन ईजिली कॉल एंड टॉक टू यू बिकॉज नाउ वी हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग. हमारे बीच ऑलरेडी आइस ब्रेक हुआ है, तो वी कैन जस्ट टॉक अबाउट थिंग्स नाउ, राइट? तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, और आपको देखना है कि क्या आप इन टूल्स का यूज करते हो, क्या वेबिनार का यूज करते हो रिक्रूटमेंट के लिए, क्या आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस है जो आपको रिक्रूटमेंट में हेल्प करती है, व्हाट्सएप पे आप कितने वॉइस नोट भेजते हो, कितनी वीडियो मैसेजेस भेजते हो, क्या क्या ग्रुप्स हैं आपके पास जो आपको रिक्रूटमेंट में हेल्प करते हैं, क्या आपके पास वेबसाइट है जो काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है, जो लीड्स को फिल्टर करती है और आपके रिक्रूटमेंट को बढ़ा देती है, क्या आपके पास डेफिनेट कॉलिंग स्क्रिप्ट्स हैं कि आप कैसे कॉल करते हो, क्या बात करते हो, तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं है कुछ तो देन बिजनेस कहाँ से आएगा. लेकिन अगर आप इधर उधर की चीज़ें कुछ भी कर रहे हो मिला के, देन अगेन दैट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि लॉन्ग रन में उसमें कोई वैल्यू नहीं है. ओके? और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टूल्स में हमने ऑलरेडी बात करी इन चीज़ों की. एक तो आपके पास रिक्रूटमेंट टेम्पलेट होने चाहिए, ओके? या जिनको हम बिजनेस कम्युनिकेशन टेम्पलेट भी कह सकते हैं. आइडियली ये टेम्पलेट जो है लोगों को ग्लिप्स देना चाहिए कि आप कौन हो, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रही है, आपकी स्टोरी क्या है, आपका बिजनेस क्या है. इट शुड मेक पीपल क्यूरियस और एक्साइटेड. अरे यार, लाइक यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन, आई जस्ट वॉन्ट टू नो मोर अबाउट देयर बिजनेस, हाउ कैन आई ऑल्सो हैव सच एन अमेजिंग सेटअप एट होम, राइट? तो कुछ जो क्वेश्चन होते हैं लोगों में, कुछ हद तक उन चीजों को आसान करें, सारा भी नहीं बताना, जस्ट लिमिटेड इंफॉर्मेशन देनी है, बट एक एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी रिटेन करनी है. ओके? सिमिलरली आपके पास ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग होनी चाहिए, उस मीटिंग में आपके पास स्टोरी होना चाहिए, आपको बेनिफिट्स बताने हैं इस अपॉर्चुनिटी के, आपको सक्सेस स्टोरीज टेस्टिमोनियल्स की बात करनी है, आपको ऑरिफ्लेम को इंट्रोड्यूस करना है, आपको एक एक्सपेक्टेशन सेट रखना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स लेने हैं लोगों से, और एक डेडिकेटेड कॉल टू एक्शन होना चाहिए उसमें. आप एक अच्छा ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी वीडियो भी बना सकते हो. इनफैक्ट जस्ट डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको मैसेज वाले ऐड पे डेमो दिया था, वहां पे आप कैसे एक अच्छा वीडियो भी सेट कर सकते हो.
ये एटलीस्ट लाइक यू नो, अगर आपने सिर्फ सैम्पल वीडियो बनाया टीजर टाइप, वो भी आपको मदद करेगा लीड्स को एटलीस्ट फिल्टर करने में। तो जब तक हमारे पास ये चीजें नहीं है, ये सारी चीजें सॉर्टेड नहीं है, तो मैं अपना रिक्रूटमेंट को कैसे स्काई रॉकेट करूं, मैं अपने रिक्रूटमेंट को कैसे बढ़ाऊं? इट्स नॉट पॉसिबल। आई माइट गेट रिक्रूट्स, बट इफ आई वॉन्ट टू ग्रो फास्टर एंड आई वॉन्ट अ सिस्टम जो स्टेबल है, जो सस्टेनेबल है, ये सारे एलिमेंट होना मेरे पास बहुत बहुत जरूरी है। सो नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि क्या क्या टूल्स होना बहुत जरूरी है मेरे सिस्टम के लिए, मुझे किन चीजों का ख्याल रखना है व्हेन इट कम्स टू यू नो रिक्रूटिंग, यानी मुझे वैल्यूड फील कराना है, मुझे एक ट्रस्ट क्रिएट करना है, और मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट अपना एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पे मैं उनको बताता हूँ कि मैं आपके लिए केयर करता हूँ, आई वॉन्ट यू टू ग्रो एंड एम्पावर जस्ट लाइक मी एंड अदर पीपल इन माई टीम। अब हम देखेंगे कि ठीक है, एक बार हमारे पास लीड जब आती है तो उनको हम रिक्रूटमेंट पे कैसे लेके आ सकते हैं। सो जब हम लीड जनरेट करते हैं, यूजुअली अभी मैं कुछ प्राइमरी चैनल्स की बात करता हूँ, या ज़्यादातर तो लीड यहाँ से लोग फेसबुक पे जनरेट करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग कन्वीनियंट है फेसबुक ग्रुप्स में। तो आइडियली जब आपके पास फेसबुक ग्रुप से लीड आती है तो आप उनको व्हाट्सअप में लेके आओ, या अगर आपके पास एड्स, आपने मैसेज वाला एड चला रखा है, लोग आपको वहां पे मैसेज कर रहे हैं, इफ पॉसिबल ट्राई टॉकिंग देम टू देयर इन मैसेंजर ओनली, या फिर उनको भी व्हाट्सएप पे लेके आ जाओ। सो दैट इज लाइक यू नो वन वे विच यू नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन। बट जरूरी नहीं कि आप उनको व्हाट्सएप पे हमेशा लेके आओ, नहीं, आप उनको सबसे पहले वहां पे अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट शेयर कर दो, देखो उनको क्या लगता है, उसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, और जो भी लोग आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट देखते हैं एस, उनको वो क्या होते हैं, वो एक क्वालिफाइड लीड में बन जाते हैं। नाउ इमेजिन यहाँ पे क्या हुआ था, मेरे पास दिन की 100 लीड आ गई थी। नाउ 100 लीड से मैं बात नहीं कर सकता, मैं 100 लीड से चैट नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, जो मेरा बहुत ही अच्छा पर्सनलाइज बिजनेस टेम्पलेट है, तो इन 100 लोगों को वहीं भेजा। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको रीच आउट किया था, तो आपका रिप्लाई आया, ए हाई सफीर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट, दिस इज अ डिजिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी and it is a very empowering one, we have this number of people working with us, request you to kindly go through my business template and look at the details and if it interests you please ping me back। Now aapne ek all together mujhe call action de rakha hai ki mujhe aapka recruitment template dekhna hai aur uske baad if I it interests me, mujhe lagta kafi acha hai to main aapko reach out karu। Now what will happen is that jo hi aapne mujhe recruitment template bheja तो उसमें मुझे दो चीजें हो सकती हैं, या तो मेरे में इंपल्स क्रिएट हो गई एंड आई एम इंटरेस्टेड, या एक ऐसा बुरा इंपल्स क्रिएट हो गया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दोनों चीजें मेरे लिए बेटर है, क्यों? क्योंकि 100 लीड में क्या हो जाएगा, 100 लीड में मे बी 40 50 60 लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो वहीं पे फिल्टर हो जाते हैं, यानी मुझे उनके साथ व्हाट्सएप पे चैट नहीं करना पड़ता, मुझे उन्हें फोन कॉल नहीं करनी पड़ती, वो तो फिल्टर हो गए। लेकिन मे बी 100 में से सिर्फ 30 लोग या 40 लोग मेरा रिक्रूटमेंट टेम्पलेट देखने के बाद मुझे रीच आउट करते हैं एंड दे विल बी लाइक यू नो आई रियली लाइक द रिक्रूटमेंट टेम्पलेट, तो मैंने वापस रिप्लाई किया, हे दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट। इट मीन्स कि अब मैं उनका क्वालिफाइड लीड बन चुका हूँ, क्यों? क्योंकि मुझमें इम्पल्स क्रिएट हो गया है और मैं इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ, और जो ही मैं क्वालिफाइड लीड बन गया, अब उनके पास ऑप्शन है कि वो मुझे रिक्रूट करें। तो वो मुझे रिक्रूट कैसे कर सकते हैं, या तो वो मुझे रिक्रूट कर सकते हैं वाई वेबिनार, दे विल बी लाइक हाय सफीर, रियली यू नो एक्साइटेड टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड, अच्छा आज शाम मैं अपनी टीम के साथ या अपने कुछ नए लोगों के साथ भी आधे घंटे का एक कॉल कर रहा हूँ जो कि मैं ऑनलाइन कॉल करूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो कॉल ज्वाइन कर लो, और उस कॉल में जब आप ज्वाइन करोगे तो जो भी आपके कुछ फिर क्वेश्चंस होंगे हम उनको आंसर कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप एक बार हाफ एन आवर का कॉल ज्वाइन करो सो दैट यू गेट नो कि हम क्या बिजनेस करते हैं, क्या स्टोरीज हैं हमारी, और आपको भी क्या क्या चीजें करनी है। नाउ अगर मैंने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ हाँ दिस लुक्स फन, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, मैं तो आई विल ज्वाइन, तो मैं आपके वेबिनार पे आऊंगा और वहां पे जब मैं आपका देखूंगा कि क्या सिस्टम है, क्या बिजनेस है, तो मैं अकॉर्डिंगली डिसीजन बना सकता हूँ कि यस यू नो मुझे ज्वाइन करना है, अगर नहीं करना है तो आप फॉलो अप करो क्या हुआ और समथिंग, बट ओके नॉट एवरीवन विल बी रिक्रूटेड।
बट इन केस आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नहीं मैं कहूंगा आई डू नॉट रियली नो टेक्नोलॉजी और आई डोंट थिंक मेरे पास अभी टाइम है, तो आप क्या कुछ चीजें मुझे भेज सकते हो? इट मीन दैट इन दैट केस आप मुझे रिक्रूट करोगे वेबिनार, सॉरी व्हाट्सएप पे और कॉल पे. देन वी विल लाइक हाई सफीर, ठीक है डोंट वरी, अभी मैं आपको कुछ टेस्टिमनीज, कुछ स्टोरीज भेजता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन, और अगर आपने वीडियो बना रखा है नथिंग बेटर देन दैट, और मेरे पास एक बहुत ही अच्छा वीडियो भी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार उसको देख लो, एंड जब भी आपके पास टाइम हो फिर हम कॉल पे डिस्कस करते हैं. नाउ इन दैट केस आप क्या करोगे, आप मुझे कुछ टेस्टिमनीज भेजोगे, आप मुझे कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग सक्सेस स्टोरीज भेजोगे, और अगर आपके पास ओएम है तो आप मुझे ओएम भी सेंड करोगे व्हाट्सएप पे ही, एंड उसके बाद जब मैं सारा आपका कंटेंट देखूंगा तो आप मुझे टेक्स्ट करोगे, हाय सफीर होप कि आप गए होंगे मैटर के थ्रू, तो आप बता दो कब हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो फिर आप मुझे कॉल पे समझा दोगे, और अगर मेरे कुछ क्वेश्चन हैं आप उनको दूर करोगे, लाइक द डाउट्स आई हैव, एंड यू विल रिक्रूट मी यूजिंग दैट मॉडल एज वेल. सो इफ यू सी वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ ऑटोमैटिक सर्टन थिंग्स, हमारे पास अपॉर्चुनिटी मीटिंग, हमारे पास बिजनेस टेम्पलेट्स, हमारे पास लाइक यू नो कॉलिंग, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमको यूज करने हैं अपने रिक्रूटमेंट के लिए. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग फॉर द डे, जब हम बात करेंगे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स की. नाउ यहाँ पे जो मैंने टेम्पलेट दिखाया आपको वो बहुत बेसिक लेवल का है, एंड ऑनेस्टली लाइक यू नो दिस आई क्रिएटेड इन हरी, एंड ये मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, बट द बिजनेस टेम्पलेट कैन बी ऑफ 2-3 पेज फ्लायर काइंड ऑफ अ थिंग which is very attractive, the right font, right color scheme, right, जो आपकी story को illustrate करता है, तो उसमें क्या होगा, automatically, like you know, filtration अच्छा होगा, लोग interested होंगे, it's all about you know, what kind of things we get attracted to, we usually get attracted to things which look beautiful, which are pleasant, and that is the human tendency, चाहे हम online की बात करें या offline की बात करें. If you are like walking through some really pleasant cafe, कोई अच्छी सी lane है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप immediately camera निकालते हो, आप click करते हो pictures, या आप बहुत सारे cases में live भी चले जाते हो. Why? Because you like the overall feel and appeal, और आपको बहुत अच्छा लगता है. Exactly the thing with the business templates. जब आप लोगों को कुछ communication भेजते हो, तो वो किस type का communication है, उसमें आपने language कैसी use करी है, कैसी कैसी पिक्चर्स डाली है, क्या क्या कंपोनेंट्स डाले हैं, दैट इज व्हाट अपील्स टू द पीपल. अगर वो उसमें फॉन्ट सही नहीं है, उसमें स्पेलिंग एरर्स हैं, वो बहुत डार्क दिखता है, मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है पढ़ने में, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बंद कर लूंगा. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग ए रिक्रूटमेंट टेम्पलेट, इट्स अबाउट कि आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट कितना प्लेजेंट है, आपका कितना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट कितना इफेक्टिव है जब बिजनेस की बात होती है. ओके तो बहुत तरीकों से आप बना सकते हैं अपने टेम्पलेट्स को, बट कुछ चीजें बहुत मैंडेटरी हैं जो आपको आइडियली बिजनेस टेम्पलेट के लिए जरूरी है. वन, सी नाउ जो आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट है वो सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है, वो एक कोलाज भी हो सकता है, बेसिकली फ्लायर काइंड ऑफ थिंग विद डिफरेंट पिक्चर्स एंड राइट अप, या वीडियो भी हो सकता है विद अ स्मॉलर कैप्शन जो आप भेजते हो. सो आइडियली आप तीनों तरीके के बना सकते हो, आपको मना कौन कर रहा है. एंड मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपके पास मल्टीपल रिक्रूटमेंट टेम्पलेट होने चाहिए. क्यों? क्योंकि फिर आपको पता लगेगा कि कौन सा टेम्पलेट बेटर वर्क करता है. नाउ इमेजिन मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया और मैं अपना टेम्पलेट बनाना चाहता हूं. मैं अपना टेम्पलेट कैसे बनाऊंगा? पहला टेम्पलेट मैं बनाऊंगा वो मैं पर्सनल बनाऊंगा, जहां पे मैं अपनी बात करूंगा, अपने बैकग्राउंड की बात करूंगा, मैंने कॉर्पोरेट की जॉब क्यों छोड़ी, राइट यू नो हाउ डिड आई गेट इन टू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, क्या क्या चैलेंज हुए मेरे, मैंने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या लाइक यू नो मेरे वैल्यू पॉइंट्स हैं, राइट. आई कैन मेक वन विच इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू मी पर्सनली. दूसरा टेम्पलेट मैं बना सकता हूँ जहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा एक लीडर्स क्लब करके नेटवर्क है, जहाँ पे मैं लीडर्स क्लब का टेम्पलेट बना लिया, जहाँ पे मैं क्लब की बात करता हूँ कि ये क्लब कैसे ओरिजिन हुआ, इस क्लब का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस क्लब के मैन प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, कैसे लोगों को हम आइडियली रिक्रूट करते हैं, क्या हमारा बिजनेस मॉडल है, और मे बी 2-3 सक्सेस स्टोरी भी शोकेस करूं, राइट. सो इट्स ऑल वेरी सब्जेक्टिव,
तो कभी कभी लोग मुझे कहते हैं सर आपके पास रिक्रूटमेंट टेम्पलेट है, तो मैं क्या करूं, मैं आपको रिक्रूटमेंट टेम्पलेट भेजूं, आप उसमें नाम चेंज करके आगे करोगे? इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। और यही बहुत मिस्टेक करते हैं हम कहते हैं शायद कुछ रेडीमेड मिलेगा, उसमें बस नाम वाम चेंज करो और हो गया। ऐसे नहीं होता काम, आपको थोड़ा वैल्यू क्रिएट करना है, थोड़ा सा पर्सनलाइज करना है, अपना कुछ एलिमेंट डालना है, तब जाके आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बहुत अच्छा होगा। इट्स नॉट कि लाइक यू नो रिक्रूटमेंट टेम्पलेट एक फिक्स है, हाँ ये देखो ये चलेगा, नहीं ऐसे नहीं होता। इट्स योर बिजनेस और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें हाईलाइट करनी है, आपको क्या क्या चीजें बोलनी है, आपको क्या क्या चीजें रखनी है अपने टेम्पलेट्स में। ओके, तो ऑफ कोर्स आपकी पर्सनल स्टोरी होनी चाहिए इंपॉर्टेंट। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओरिफ्लेम की बात करें या ना करें, मैं यही कहूंगा कि ट्राई करो, एक टेम्पलेट ऐसा बना लो जो जेनेरिक है, जहां पे आप सिर्फ अपने टीम की बात करते हो, मत मेंशन करो ओरिफ्लेम, एक दो टेम्पलेट में मेंशन भी करो एंड फिर देर फिगर आउट द रेस्पॉन्स। इट्स नॉट नेसेसरी, देर इज नो डेफिनेट वे कि नहीं यही वर्क करेगा, हर पर्सन के लिए या हर टीम के लिए एक अलग अप्रोच वर्क कर सकता है। एंड दैट्स वाई देर इज अ डायर नीड कि हमें एक्सपेरिमेंट करना है चीजों के साथ। मैं आपको यहाँ पे वही चीजें सजेस्ट करूंगा जो ट्राइड एंड टेस्टेड है और जो हमारी रिकमेंडेशन है कि ये तो डेफिनेटली वर्क करेगा, बट इट विल नॉट वर्क कि लाइक यू नो कि यही एग्जैक्टली द सेम वे, नहीं, आपको थोड़ा वैल्यू एड तो करना ही करना है, आपको पर्सनलाइज तो करना ही करना है, तब जाके वो इम्पैक्ट आएगा आपके किसी भी टेम्पलेट में या आपका जो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग है। ओके, नाउ इन दैट केस ऑल्सो जो बहुत ज्यादा अभी हमें बॉदर करता है, काफी ज्यादा लोग कहते हैं कि सर मैं तो सिर्फ 12% हूँ, मैं तो 15% हूँ, ना ही कैश अवार्ड है, ना ही फॉरेन ट्रिप है, तो हम क्या बनाए टेम्पलेट? उसका आंसर मैं आपको लास्ट स्लाइड में दूंगा कि आप एग्जैक्टली कैसे काम कर सकते हो, एंड अगर आप वो तरीका अडॉप्ट करोगे देर इज नो स्टॉपिंग यू कि आप कैसे रिक्रूट कर सकते हो। एंड एज ये पर्टिकुलरली ऐसे लोगों के लिए जो अपना पर्सनल ग्रुप मैनेज करते हैं, जो थोड़ा सा हायर टाइटल्स पे है, मे बी जस्ट लाइक यू नो सीनियर डायरेक्टर गोल्ड एंड अबाव, अगर आप उस तरीके से काम करोगे तो आप इजिली इजिली लाइक यू नो काफी तेजी से अपने पूरे नेटवर्क को ग्रो करा सकते हो अपने साथ साथ। ओके, सो वी हैव सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। सो रिक्रूटमेंट टेम्पलेट होना बहुत जरूरी है, ये जैसे मैंने लास्ट टाइम सैम्पल भी दिखाया था, बट दैट इज जस्ट वन स्मॉल फ्रैक्शन। एंड जो सरप्राइजिंग चीज थी वो यही थी कि मुझे ना काफी ज्यादा लोगों ने मेरा ही टेम्पलेट वापस भेज रहे थे मुझे, और उन्होंने क्या करा था, बस पिक्चर्स चेंज करी थी। ये मैंने बस सैंपल के लिए दिखा था। तो फॉर एग्जाम्पल नाउ यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेम्पलेट में क्या हो रहा है, सो वी हैव अ फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल लीडर है हमारी अनामिका जैन। नाउ एवरी टाइम उसे कोई फेसबुक पे मैसेज करता है या उसे कोई व्हाट्सअप आता है, तो वो लोगों को सबसे पहले अपना एक टेम्पलेट भेजती है नाउ, जिसमें वो लोगों को बताती है कि मैं अनामिका जैन हूँ, मैं एक मॉम हूँ, कोच हूँ, एंटरप्रेनर हूँ जयपुर से, और मेरा जो ऑनलाइन बिजनेस है वो पूरे इंडिया में स्प्रेड हो चुका है। ओके, मेरे पास तकरीबन 6,000 से ज़्यादा मेंबर्स की टीम है जो घर बैठे बैठे अपनी घर की कन्वीनियंस से काम करते हैं। जो मेरा बिजनेस सिस्टम है, मैंने इसके थ्रू काफ़ी होम मेकर्स को, वर्किंग मदर्स को ट्रांसफॉर्म किया है। किस में? सक्सेसफुल एंटरप्रेनर में। हाँ, इस बिजनेस में आपको क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, ये बिजनेस किस बारे में, डिजिटल बिजनेस है विद अ स्विडिश कंपनी ओरिफ्लेम के साथ, और आप एज एन एंटरप्रेनर काम करोगे, डोर टू डोर सेलिंग नहीं करनी है, किसके लिए है, जिनको भी एस्पिरेशन है, जिनको भी अपने ड्रीम फुलफिल करने हैं। आइडियली अगर आप एक होम मेकर हो, आप एक वर्किंग मॉम हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, राइट? बेनिफिट्स, काफी रिवॉर्डिंग करियर है, आपके पास इनकम आएगी, आपके पास कैश अवार्ड आएंगे, आपके पास एग्जॉटिक डेस्टिनेशन को ट्रैवल करने को मिलेगा, आप ड्रीम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। रिक्वायरमेंट नथिंग, आपको मंथली ऑर्डर प्लेस करना होगा अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को लेके। इट्स नॉट कि समथिंग यू हैव टू पे टू मी, यू हैव टू बाई समथिंग फ्रॉम आवर पार्टनर, एंड अमेजिंग प्रोडक्ट जो आप डेली बेसिस पे यूज वैसे भी करते हो, देर इज नो अदर इन्वेस्टमेंट्स एट ऑल। हाँ, आपके पास मिनिमम 3-4 घंटे तो डेली बेसिस के होने चाहिए जो आप इस बिजनेस को देना चाहिए, एंड नॉट नेसेसरी कि आपका एक लैपटॉप हो या ना हो, बट यस इफ यू हैव नथिंग बेटर देन दैट, बट स्मार्टफोन थ्रू भी आप इस बिजनेस को ड्राइव कर सकते हो। और मैं क्या करूँगा आपके लिए,
मेरे पास एक फुल फ्लेज सिस्टम है, मेरे पास टीम है, तो मैं आपको ट्रेन करूंगी, मैं आपको गाइड करूंगी और मैं आपके साथ गोल सेटिंग करूंगी, और मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं आपको जल्दी से जल्दी ऑरिफ्लेम के सक्सेस प्लान पे काफी ऊपर तक लेके आओ, राइट। हाँ, अगर आप और जानना चाहते हो मेरे बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में, तो आप प्लीज मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो ये मैंने बस सैंपल के लिए रखा था। नाउ इमेजिन अगर आपने किसी प्रोफेशनल से अच्छा सा बनवाया 2-3 पेज का फ्लायर, जहाँ पे आपने बहुत अच्छी अट्रैक्टिव पिक्चर्स डाली है, कलर स्कीम बहुत अच्छा है, फॉन्ट बहुत अच्छे हैं, तो कितने हद तक आप देखो लोगों के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो और एक अच्छा एक इम्पल्स क्रिएट कर सकते हो उनमें। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नो हैविंग मोर अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स। ये तो बहुत बेसिक सा है, बट स्टिल इट लुक्स रियली ओके टू मी। इट्स नॉट एक्सेप्शनल, इट्स ओके। इसमें तो बहुत ज्यादा टेक्स्ट है एक ही साइड में। नहीं, जब आप एक अच्छे प्रोफेशनल से बनवाएंगे टेम्पलेट, तो उनको पता है कि कलर स्कीम क्या लेना है, फॉन्ट का प्लेसमेंट कहाँ डालना है, किस तरीके से आपका जो टेम्पलेट्स हैं वो और ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। ओके, सो दिस वाज, तो दो चीजें मैंने कहा था कि जो आपके एलिमेंट्स हैं, टूल्स हैं, बहुत सारे हैं, जो प्राइमरी टूल्स हैं, जहाँ पे हमने सोशल मीडिया, वेबिनार, व्हाट्सअप, कॉलिंग, इन सब चीजों की बात करी। फिर सेकेंडरी एलिमेंट्स में हमने बात करी कि आपके पास रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स होने चाहिए, आपके पास एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग भी होना चाहिए। नाउ अगेन, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग, आइडियली जो भी गोल्ड एंड अबव है उनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होना चाहिए। और आप इस वाली पीपीटी को अगेन यू कैन आउटसोर्स इट, अगर आप चाहते हो कि आपका जो ओएम है वो बहुत बहुत इफेक्टिव हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे, तो आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं अगर आपको अच्छे से पीपीटी बनाना आता है और आपको पता है कि डिजाइन एलिमेंट्स कैसे रखने हैं, क्या रखने हैं। ये तो बस मैंने सैंपल के लिए रखा है, और जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी मीटिंग है उसमें कुछ कंपोनेंट्स होना बहुत जरूरी है। ऑल दीज आर बेसिक कंपोनेंट जो हम हमेशा बात करते हैं। सबसे पहले जो भी आप अपॉर्चुनिटी मीटिंग बनाओगे, जो आप यूजुअली वेबिनार पे होस्ट करोगे लोगों के साथ, राइट। नाउ इमेजिन आप मेरा ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, मे बी आप मेरी लीड हो, पैन इंडिया से 500-600 लोग मेरे अपॉर्चुनिटी इवेंट में आए। नाउ आपने मेरा अपॉर्चुनिटी इवेंट ज्वाइन कर रहे हो जो कि ऑनलाइन हो रहा है हाफ एन आवर के लिए, देन आई विल गेट स्टार्टेड। मैं अपना पीपीटी तो शेयर करूंगा, ओके। तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, जहां पे आपको अपनी स्टोरी, अपने अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंस की बात करनी है। फिर आपको लोगों को बता देंगे कि क्या क्या बेनिफिट है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। फिर आप उनको कुछ रीजन देंगे कि वो आप में बिलीव क्यों करें। फिर आप ऑरिफ्लेम को इंट्रोड्यूस करोगे, जहाँ पे आप ऑरिफ्लेम के वैल्यूज की बात करोगे थोड़ी सी, एंड लास्ट में आप काफी अच्छे से एक्सपेक्टेशन सेट करोगे। नाउ इमेजिन लाइक यू नो मैं एक बिजनेस एंटरप्रेनर हूँ, अनामिका जैन, एंड माय करंटली अ सफायर डायरेक्टर ऑरिफ्लेम के साथ, और मैं आपके साथ एक रिक्रूटमेंट मीटिंग करना चाहता हूँ। एंड दैट इज हाउ आइडियली आई विल स्टार्ट लाइक यू नो माई फर्स्ट स्लाइड, विच इज अबाउट मी। इट्स नॉट अबाउट कि ऑरिफ्लेम का कैटलॉग मैंने दिखाया यहाँ पे, या मैंने ऑरिफ्लेम के फाउंडर्स की बात करी, नहीं, वो बाद की बात है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप खुद को प्रमोट करो, आप अपने पर्सनल ब्रांड की बात करो, ओके। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग अबाउट मी, मैं अनामिका जैन हूँ, आई एम करेंटली डायमंड सफायर डायरेक्टर विद ऑरिफ्लेम, और अबाउट मी, आई एम अ मदर, आई हैव टू लवली चिल्ड्रन बैक होम, एंड यू नो दे बोथ आर स्टडिंग इन रेस्पेक्टिव लाइक यू नो कॉलेज, जो भी आप बताना चाहते हो। आई एम एंटरप्रेन्योर, इट मीन्स दैट यू नो मेरा फुल फ्लेज्ड अपना बिजनेस है जो कि बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन रन हो रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम ए बिलीवर, यानी मैं यकीन करती हूँ कि जो भी एवरी थिंग इज पॉसिबल। वाई? लाइफ स्टोरी, करंटली अगर आप देखोगे मेरा मंथली इनकम इतना आता है, ओके, मेरे नेटवर्क में क्यूमुलेटिव इनकम इतना जनरेट होता है। अभी तक आई हैव ऑलरेडी ट्रैवल टू 9 डेस्टिनेशंस इन इंडिया एंड 6 इंटरनेशनल ट्रिप ले चुकी हूं मैं, बट इट वॉज, और मेरे साथ क्लोज टू 12,000 फीमेल्स काम कर रही है पैन इंडिया, बट इट वॉज ऑलवेज नॉट द केस। मेरा लाइफस्टाइल हमेशा से ऐसा नहीं था। 7 years back, 8 years back, I was a normal working mom, say a housewife, and then when I was expecting my first child, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी,
एंड आफ्टर माई डिलीवरी आई कुड नॉट लाइक यू नो गो बैक टू माई वर्क बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली विद माई बेबी एंड दैट टाइम आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एंड आई वॉज गेटिंग सो बोर्ड एट होम एंड सम हाउ आई जस्ट लर्न अबाउट द डिजिटल बिजनेस विद ऑरिफ्लेम एंड आई वॉज वेरी स्केप्टिकल स्टार्ट विथ लेकिन फाइनली जब मैंने स्टार्ट किया आई रियलाइज कि कितना रिवॉर्डिंग कितना स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए एंड आई जस्ट बिकेम सो कमिटेड टू दिस पर्टिकुलर करियर आई हैव और इस करियर में आप एक बेटर लाइफ स्टाइल बेटर इनकम अर्न कर सकते हैं एंड इट्स पॉसिबल वाई क्योंकि जब मैंने शुरू किया था मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल हुए थे मुझे मे भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला था लेकिन आज के टाइम में मैंने इतने टाइम से ये बिजनेस किया है मेरे पास एक्सपर्टीज है मेरे पास ट्रेनिंग्स है मेरे पास एक प्रूवन बिजनेस सिस्टम है तो अगर आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो मैं आपको कमिटमेंट दे सकती हूँ कि विद माई ट्रेनिंग्स विद माई सपोर्ट सिस्टम आप भी बिल्कुल एक ड्रीम लाइफ स्टाइल जी सकते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है बिजनेस क्योंकि हम जानते हैं आज के टाइम में जो मनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन अभी क्या हो रहा है लोग पैसे के पीछे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उन्हें बाकी किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता तो जो उनकी बाकी चीज़ें वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होती हैं वो अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं दे पा रहे वो अपने स्पाउसेस को टाइम नहीं दे पा रहे वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे सो द थिंग इज दैट लाइक यू नो अगर आपको पैसा अर्न करना ही है इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर थिंग्स आपकी बाकी चीजें इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए एंड दैट इज वाई माई बिजनेस कम्स इन क्यों क्योंकि जो हमारा बिजनेस है इसमें आप वो सारी चीजें कर पाओगे और आप ये सारी चीजें फ्लेक्सिबिलिटी कन्वीनियंस के साथ घर बैठे बैठे कर पाओगे यानी आपको अपनी लाइफ स्टाइल पे कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा और एट द सेम टाइम आप दूसरे लोगों को भी एम्पावर करोगे इस बिजनेस पे पहले आप अपने बॉस खुद होंगे और अपने टाइम पे काम करेंगे और जब आप स्टेबल स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे मेरे तो आपका मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगा जो ही आप टाइटल्स और अपना नया नया रिकॉग्निशन लेके आओगे तो आपका यू नो कैश अवार्ड्स मिलना शुरू हो जाएगा आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा जहाँ पे आपके काफ़ी ग्रैंड रिकॉग्निशन होंगे एंड इवेंचुअली बिकॉज आप बिजनेस लेके आ रहे हो आप एलिजिबल होंगे काफ़ी अच्छे एग्जॉटिक डेस्टिनेशन चाहे मैं नेशनली बात करूँ या इंटरनेशनली बात करूँ एंड गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको कुछ ग्लिप्स भी दिखा दूंगी कि हमारे जो कॉन्फ्रेंसेज रहते हैं जो हमारे इवेंट्स रहते हैं वो कितने वर्ल्ड क्लास होते हैं और कितनी सुपर फीलिंग होती है जब वहाँ पे आप अपने पूरे नेटवर्क के साथ अपनी टीम के साथ ट्रैवल करते हो एंड नाउ ऑल्सो आप किसी भी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का ड्रीम देखो तो ड्रीम बहुत सिंपल होते हैं कि एक अच्छा सा घर हो We have nice car, education ho rahi achhe se bachchon ki, we are not compromising on that. And we also marry them with like, you know, lot of fervor and pride. Aur jab isme aap hamare saath goal director bante ho, to hum aapko eligible karte hain dream program pe, jahan pe aapko in sab elements ke liye funding aur financing milna shuru ho jata hai. Now what I would want is ki baaki kuch jo 15-20 minute hai, aap please attention pay karo. और जो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ लिसन टू दैट एंड देन वी कैन डिस्कस कि आगे जाके हम इस सिस्टम को कैसे सेटअप कर सकते हैं बट यस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि आप डिजिटल बहुत ज़्यादा बजवर्ड है और फ्यूचर रिस्टिक बिजनेस है तो हम आपको एक ऐसे बिजनेस सिस्टम पे ट्रेन करेंगे जो कि ऑनलाइन है और अगर आप बाहर से कभी ऑनलाइन बिजनेस सीखोगे तो आपको लाखों स्पेंड करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिस्टम है मेरे पास राइट लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे उस सिस्टम में आने के लिए एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड नाउ आल्सो दिस विल मेक मोर सेंस अगर आप किन के साथ अपना ओएम करते हो वर्किंग वुमेन के साथ बिकॉज उनको ये चीज सबसे ज्यादा पता है नाउ आल्सो लाइक यू नो आपको ये क्यों करना है ये वाला करियर अपॉर्चुनिटी सी आप जॉब भी शुरू कर सकते हो लेकिन यूजुअली क्या होता है जब आप जॉब शुरू करते हो तो आप एक स्टेबल इनकम के साथ जॉब करना शुरू कर देते हो लेकिन अभी मार्केट का कंडीशन इतना बेकार है जॉब्स आर बीइंग कट लाइक एनीथिंग लोगों को लाइक यू नो इनकम के ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ रहे हैं
और अगर आपकी जॉब मानो लग भी गई, मे बी आपको 15,000 10,000 मंथली सैलरी मिलती है, और मे बी 10 साल 20 साल बाद आप 60,000 80,000 90,000 भी अर्न करना लगे एक महीने का, लेकिन होगा क्या? कॉरपोरेट में रूल होता है कि जब आप काफी टाइम तक एक जगह पे काम करते हो तो आपका जो स्टैगनेंट है इनकम है वो स्टैगनेंट हो जाता है, उसके बाद आपकी ग्रोथ नहीं होती है। यानी अगर आपकी सैलरी अब 80-85 हज़ार है तो उतना ही रहेगा, और आपको भी पता है कि कितना डिमांडिंग होती है कॉरपोरेट की जॉब, आपको लाइक यू नो कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है वहां पे, और जिस दिन आपने जॉब छोड़ दी उसी दिन आपका सारा इनकम भी स्टॉप हो जाएगा। तो यानी आपके पास ना ही कोई सिक्योरिटी है ना ही कोई स्टेबिलिटी है। और डेटा भी यही कहता है कि जो लोग आगे जाके बहुत सिक्योर है फिनेंशियली वो अपने जॉब के साथ साथ कोई और बिजनेस भी करते हैं। तो आप इसको एज अ पार्ट टाइम करियर भी ट्राई कर सकते हो फॉर सम टाइम। व्हाई? इस बिजनेस में आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम अर्न करोगे, लेकिन जब आप मेरे वर्किंग सिस्टम मेरे बिजनेस को समझोगे आपका स्ट्रॉन्ग इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और आप इतना अर्न करने लग जाओगे कि डिफरेंशियल जो है यानी जितना आप यहाँ पे 10-20 साल में कमाओगे उतना आप कभी भी अपनी जॉब में कमा नहीं पाओगे। तो वन थिंग जो इनकम डिफरेंशियल है यानी आप अपनी जॉब से 10-15 गुना ज्यादा भी अर्न करोगे यहाँ पे, और कल को अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो या आप काफी ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन आपका जो इनकम है वो ड्रॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे आपने अपने एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया है तो आपके पास एक पैसिव इनकम आता जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक फिनेंशियल सिक्योरिटी भी है। नॉट जस्ट दैट, इमेजिन कल को आप एक बहुत ही अच्छे टाइटल पे हो जहाँ पे आपको लाखों का इनकम आ रहा है तो आप अपने बच्चों में से भी किसी को अपॉइंट कर सकते हो अपनी जगह, तो आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। नाउ चॉइस इज टोटली योर्स कि आपको पहला वाला मॉडल यूज करना है या आपको सेकंड वाला मॉडल पे यूज करना है। ओके, देन ऑफ कोर्स हम फिर काम कैसे करते हैं? हमारा बिजनेस सिस्टम बहुत सिंपल है, हम आपको सिखा देंगे कि ऑनलाइन चैनल्स पे प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है, कैसे रिक्रूट करना है, कैसे हम आपको ट्रेन करेंगे इन सारी चीजों पे, और यहीं पे हमारा सारा बिजनेस हो जाएगा। आपको घर से अभी बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, टाइम टू टाइम मे बी वेरी रेयरली हम कुछ ऑफलाइन इवेंट्स या ऑफलाइन मीटिंग्स के लिए मिला करेंगे, बट मोस्टली जो भी आपका काम है वो घर से होगा। कैसे काम होगा? सबसे पहले जब आप हमारे साथ रजिस्टर करोगे और आपको अपना एक पर्सनल ऑर्डर प्लेस करना है हमारे ब्रांड पार्टनर हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ, ओके, हम आपके साथ पर्सनल मीटिंग्स करेंगे और हम जानेंगे कि आपको क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं, आपके क्या क्या ड्रीम्स हैं, क्या क्या एस्पिरेशंस हैं। जब हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी, फिर हम आपको सिखा देंगे कि हम आपका टीम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं और हम आपको गोल्ड वाले प्लान पे कैसे लेके आते हैं। यानी जो हमारा इंस्टेंट ड्रीम होगा वो यही होगा कि हम आपको एक गोल्ड डायरेक्टर बना दें, बट यस, उसके लिए हमें मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, हमें आपका ऑब्जेक्टिव आपकी अंडरस्टैंडिंग जाननी पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम बिजनेस प्लानिंग सेशन और फॉलो अप सेशन आपके साथ प्लान करेंगे। बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में जब हम ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और टीम मेरी हेल्प करेगी आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर करने में, इन दैट केस यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट रिक्रूटमेंट और अदर थिंग स्टार्टिंग में। लेकिन यस, आप सिर्फ अपना पर्सनल ऑर्डर पे फोकस करो, और जो भी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, जो भी हम आपको कम्युनिकेशन बेचते हैं, जो भी हम आपको टूल्स बेचते हैं, उन पे आप फोकस करो, उन पे आप सीखो। वाई? क्योंकि जितना जल्दी आप सीखोगे उतना तेजी से आप इस पे ग्रो करोगे। नाउ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को बता सकते हो, ये देखो ये मेरा जर्नी है टुवर्ड सक्सेस, आई ज्वाइंड ऑन दिस पर्टिकुलर डे और ये मेरा पहला रिकॉग्निशन है, तो आप यहाँ पे पिक्चर डाल सकते हो। ये देखो, दैट इज व्हेन आई वाज कमेमोरेटेड फॉर माय गोल्ड डायरेक्टर टाइटल, इतने का मुझे कैश अवार्ड मिला था और यहाँ पे ये हुआ था। दिस इज लाइक यू नो व्हेन आई वाज यू नो गिविंग माय टेस्टिमनी से इन दिस पर्टिकुलर इन स्टॉकहोम, जहाँ पे मैंने बात करी थी। तो यू कैन एक्चुअली एक्सप्लेन लाइक यू नो ऑल द फीलिंग ऑल द इमोशन यू हैव इनसाइड यू, एंड देन इफ यू वांट आप कुछ टेस्टिमोनियल या सक्सेस स्टोरीज भी शोकेस कर सकते हो। मेरे नेटवर्क में सक्सेस है, मेरे नेटवर्क में ग्राउथ है, और इसका ये इलस्ट्रेशन है तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो एड अ नाइस पिक्चर एंड अ कोलाज ऑफ दोज पीपल। और यहाँ पे आप देखो मैंने कुछ सैंपल भी रखे हैं कि देखो ये होम मेकर है एंड शी जस्ट टेल्स यू कि मेरे साथ काम करके उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, हाउ एम्पावर्ड शी फील्स, हाउ कॉन्फिडेंट शी फील्स, राइट?
सिमिलरली निहारिका सिंह वॉज अ गोल्ड डायरेक्टर, शी वॉज अर्निंग रियली गुड मनी, शी वॉज वर्किंग, बट देन अगेन हर ड्रीम वॉज टू ट्रैवल, और अपनी जॉब में वो इतनी बिजी रहती थी उसे कहीं आस पड़ोस भी जाने का टाइम नहीं मिलता था. बट लुक एट हर नाउ, शी इज सेइंग दैट की लाइक यू नो उनके ऑलरेडी 4 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हो गए हैं, एंड यू नो शी इज रियली रियली थैंकिंग मी फॉर द सपोर्ट एंड गाइडेंस. Just a second, guys. Yeah. Then there is Apurva, who is a student. You know how she feels empowered, confident, just being say a student of 21 years of age. वो अपने fees, अपनी studies खुद से manage कर पाती है. You know how confident she feels that कि like you know वो अपने tuitions को भी खुद ही finance करती है. And she works part time अपनी student community में. So it's very important to share some good testimonials and success stories which can be part of your recruitment meeting. And in case you have some other testimonial planned, aap uski bhi baat kar sakte ho. Maybe for example, kal ko agar aap kisi mother ke saath apna OM karte ho, to I'll recommend ki kisi mother ka hi testimony rakho, jisne maybe apne bacche ki higher education, you know, sponsor kari ho, kisi achhi jagah padhaya ho because of like, you know, kyunki wo aapki team ka hissa hai. कल को अगर आप किसी कपल के साथ होस्ट करते हो अपना ओएम, तो आई रिकमेंड कि कपल स्पेसिफिक ही टेस्टिमोनियल रखो. ये देखो ये पावर कपल है, इन्होंने 2 साल पहले अपना ड्रीम बिजनेस शुरू किया हमारे साथ और ऑलरेडी यहाँ यहाँ ट्रेवल कर चुके हैं और इतना इनकम अर्न कर रहे हैं और इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, राइट. मे बी किसी एक्स कॉर्पोरेट, आपको कोई अच्छी लीड मिली जो कॉर्पोरेट से आ रही है, मे बी हैव योर बिजनेस कम्युनिकेशन, टॉक मोर अबाउट द रेजिडुअल एंड लीनियर इनकम जो मैंने भी ग्राफ दिखाया था. टेस्टिमनी ज्यादा से ज्यादा वर्किंग वुमेन के शेयर करो. ये देखो ये भी रिलायंस में थी पहले, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और आज हमारे साथ लाइक यू नो 3 times ज्यादा अर्न कर रही है, इतने कंट्रीज घूम चुके हैं. दीज आर द पिक्चर्स, दिस इज लाइक यू नो द लिविंग प्रूफ ऑफ एवरीथिंग, राइट. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम स्ट्रक्चर भी करें अपने मीटिंग्स को अकॉर्डिंगली, कि कंसिडरिंग हमारा अटेंडी ऑडियंस किस टाइप का है. एंड देन ऑफकोर्स एज वी मैंशन, जो इस हमारी अपॉर्चुनिटी में पार्टनर है वो है ओरिफ्लेम. Oriflame is a company जो dreams पे built हुई है. It's a Swedish company, ज़्यादा से 50 साल से भी ज़्यादा हो गए जो इसकी empowering business opportunity है, और जो beauty, skin care and wellness world class products हैं हमारे जो inspire करते हैं like you know which are inspired and powered by Swedish science, right? ये भी largest अभी हम social selling beauty company है, and of course like you know ग्लोबल कम्युनिटी में हमारे 3 million से, दिस इज नॉट नेसेसरी यू हैव टू टेल ऑल ऑफ दैट, बट जस्ट टॉक अबाउट लाइक यू नो कि हम स्वीडन से हैं, टॉक अबाउट अवर स्वीडिश एट्रीब्यूट, टॉक अबाउट कि हमारे पास एम्पावरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स हैं, राइट. और जब हमारे साथ ज्वाइन करोगे तो एग्जैक्टली लाइक यू नो आपको इनकम मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी लाइफ में, आप ट्रैवल करोगे, आप सेलिब्रेट करोगे, तो आइडियली वी बिलीव इन लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन. और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि मेरा जो ड्रीम है वो यही है कि मैं आपको ये तीनों चीज़ें ऑफर करूं, दैट यू लुक द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू मेक द मनी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतना अर्न कर सकते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैव फन. ये बोरिंग जॉब नहीं है, यहाँ पे हम एज अ टीम, एज अ फैमिली काम करते हैं और आप बहुत ज़्यादा मस्ती, बहुत ज़्यादा फन सीख कर सकते हो, ओके. और मेरा जो इमीडिएट गोल है वो यही है कि मैं आपको ओरिफ्लेम का जो आप सक्सेस प्लान देख रहे हो, इसमें सबसे पहले मैं आपको सीनियर मैनेजर बना दूं और जल्दी से जल्दी मैं गोल्ड डायरेक्टर बना दूं. क्यों? क्योंकि जब आप गोल्ड डायरेक्टर होंगे आपके पास फॉरेन ट्रिप होगी, आपके पास कैश अवार्ड होगा, आपके पास रिकॉग्निशन होगा, फिर आप अपना क्लब, अपनी टीम ईजिली तैयार कर सकते हैं. बट आइडियली गोल्ड डायरेक्टर तक हम मिलके काम करेंगे और मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मैं आपको जल्दी से जल्दी गोल्ड स्ट्रक्चर पे लेके आऊं और आपको मैं ओरिफ्लेम के साथ एक गोल्ड डायरेक्टर बना दूं. नाउ देयर आर नो फ्री लंच. कुछ चीज़ें इस बिजनेस में जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, द वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट. अभी हम डेप्थ में काम करने को कह रहे हैं, हम पावर लेक थ्रू काम करने को कह रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपका इनकम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. बट येस, जब आप खुद रिक्रूट नहीं करते हो, जब आप ट्रेनिंग लेते हो, बाकी चीज़ें करते हो, आप नई नई चीज़ें सीखते हो हमारे साथ, आप लाइक नई नई स्किल्स सीखते हो और आप स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट एंड एम्पावरिंग टीम का पार्ट हो, राइट. नाउ आपसे जो मुझे एक्सपेक्टेशन है वो बहुत सिंपल है. एक तो ये है कि आपको हर महीने
अपना 100 बीपीस का ऑर्डर प्लेस करना है हमारे पार्टनर के साथ। जो भी हमारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हों, वो टेस्टिमनीज हों, वो कंपनी ट्रेनिंग्स हों, आपको उन उन ट्रेनिंग्स में पार्ट लेना पड़ेगा। जो भी हम टूल्स यूज़ करते हैं, चाहे हम वेबिनार टूल यूज़ करते हैं, हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हम मैसेंजर यूज़ करते हैं, हम पेज क्रिएट करते हैं, तो इन सारे टूल्स को आपको सीखना पड़ेगा। एंड इट्स अ टू वे थिंग, मैं कितना भी आपका प्लान बना लूँ, आपको भी एक्ट करना है। तो टाइम टू टाइम आप भी मेरे पास आओगे विद कंक्रीट प्लान्स कि मुझे इतना बिजनेस करना है, मुझे आपसे ये हेल्प चाहिए सो दैट आई कैन यू नो कंप्लीट माई गोल डायरेक्टर टाइटल फॉर एग्जाम्पल। और जो आपका इवेंचुअली फोकस होगा वो होना चाहिए कि पर डे एटलीस्ट लाइक यू नो आप दो लोगों को तो रिक्रूट कर ही रहे। दिस इज ऑल आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। और मैं क्या करूंगा आपके लिए, बीइंग योर स्पॉन्सर, मैं नए नए लोगों को रिक्रूट करूंगा आपके सिस्टम में, मैं आपको पूरा ट्रेन करूंगा जो भी मेरा बिजनेस सिस्टम है और जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपका ड्रीम है। आई विल बी द अल्टीमेटली वन पर्सन जो आपको हेल्प करेगा आपके सारे ड्रीम फुलफिल करने में। And you know that is why if we agree we'll shake the hands on to it. Now abhi ek aur tarika jo hai, see now aapke paas ek acha sa recruitment meeting bhi hai, aapke paas templates bhi hai. Ek aur tarika hai jo bahut important hai, jaise bahut sare log aaj ke time mein kehte hain ki hum to 12 percenter hai ya hum to ek senior manager hi hai, kuch zyada hamare paas income nahi hai, cash award nahi hai, to hum kya kare? See there are two ways now. Ya आप क्या कर सकते हो, आप लाइव ओएम कर सकते हो जो भी आपके पास लीड आती है सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से। नाउ फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड चलाया यू नो जहां पे आप ऑनलाइन इवेंट को प्रमोट करते हो। गाइस इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस, ज्वाइन अवर फ्री ऑनलाइन यू नो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑन मे बी जूम और समथिंग, और आपने ऐड चला लिया। नाउ जब आप एक इवेंट वाला ऐड क्रिएट करोगे तो वो जितना आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो बहुत सारे लोग आपके इवेंट में रेस्पॉन्स करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। नाउ इमेजिन मैं 10th ऑफ जून को एक बहुत ही बड़ा ऑनलाइन इवेंट कर रहा हूँ अपने जूम पे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 1000 का लाइसेंस है और 1000 लोग एटलीस्ट अटेंड करें मेरा ट्रेनिंग। सो व्हाट विल आई डू, आई विल क्रिएट बज अराउंड इट। मैं फेसबुक पे इवेंट क्रिएट करूंगा, मैं उस इवेंट के लिए एड चलाऊंगा और मैं डायरेक्टली लोगों को वहां उस इवेंट के लिए बुला लूंगा। बट नॉट नेसेसरी दैट यू नो आई डू इट लाइक वेरी पब्लिकली। मैं सिर्फ अपने एड टूल में इवेंट वाला एड क्रिएट कर दिया, वहां से 20-30 लोग जो भी आ रहे हैं उनके साथ छोटे छोटे इवेंट भी कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे काफी बड़ा इवेंट तैयार करना है और उसके लिए मुझे 10-15 दिन का भी काम करना है बेस, नहीं। आप छोटे छोटे लेवल पे भी कर सकते हो, यानी आप सिंपली एक इवेंट वाला एड चला लो और आपके पास जो भी दिन के 40-50 लोग आते हैं उनका डिटेल आपके पास आता है, आप उनसे टच बेस करो और उनको कहाँ पे बुला के लाओ, अपने लाइव सेशन में जो आप जूम पे कर रहे हो या टीम्स पे कर रहे हो, जहाँ पे भी कर रहे हो, और वहाँ उनके साथ आप क्या शेयर करोगे, अपना अपॉर्चुनिटी मीटिंग, अपने टेस्टिमनी। सो दैट इज द ईजिएस्ट वे। नाउ सेकेंड थिंग इज, मैं अभी खुद भी काफी बड़े टाइटल पे नहीं हूँ और मेरे नीचे कुछ लोग हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 लाइन्स हैं और वहां पे जो लोग हैं वो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मे बी वो ग्रुप में प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या उन्होंने यू नो अलग अलग जगह पोस्टिंग्स करी हैं और वहां से उनके पास लीड्स आ रही हैं, या मे बी उन्होंने मिल के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करके कुछ एडवर्ट चलाए हैं वहां से और वहां से लीड्स आ रही है। नाउ इमेजिन मैं इन 2 लाइन्स में काम कर रहा हूँ और दीज आर जस्ट रफ नंबर, किसी ने 5 लीड्स लाई, किसी ने 2 लीड लाई, किसी ने 3 लाई, किसी ने 12 लाई, तो इस वाली लाइन से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी कितनी लीड्स हैं, 22 लीड्स हैं, राइट। इस वाली लाइन से इट्स लाइक यू नो 34 लीड्स हैं, तो क्लोज टू मतलब 60 लीड्स हैं मेरे पास। नाउ इमेजिन व्हाट विल हैपन, ये मेरे लोग हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ समझो कि अहमदाबाद में हैं, कुछ समझो कि पुणे में हैं, और इन्होंने दिन में प्रोस्पेक्टिंग करी है और कुछ 3 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, 5 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, 2 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, 15 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। नाउ दीज पीपल आर ऑल्सो लाइक यू नो 12-15% जिनके पास कुछ ज्यादा मटेरियल नहीं है रिक्रूट करने को, एंड मी एज अ नेटवर्क लीडर मैं इनको क्या करूंगा, मैं कहूंगा ठीक है आज के दिन में जितने भी लोगों को आपने अट्रैक्ट किया उनको शाम को मेरा एक 9 बजे अपॉर्चुनिटी मीटिंग करूंगी,
तो जितने भी आपने दिन में लीड्स एक्युमुलेट करी हैं उनको उस वाले अपॉर्चुनिटी मीटिंग में लेके आओ। नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट जिसने भी जितने लीड जनरेट करे हैं डेली बेसिस पे वो उन लीड्स को कहाँ पे लेके आएंगे, शाम को जो मैं 9 बजे एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग कर रहा हूँ या शाम को जो मैं 8 बजे एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग कर रहा हूँ। नाउ समझो कि नंबर 5 लीड्स भी आ गई, वो 3 भी आ गई, ओवरऑल 60-70 लोग वहां पे आए हैं और जो जो उनको ऑन करते हैं उन लीड्स को वो लोग भी आए हैं मेरे वेबिनार में। नाउ मैंने उनके साथ एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग होस्ट करी बिकॉज आई एम अ नेटवर्क लीडर, मेरे पास सब कुछ सक्सेस है। तो मैंने कहा कि टीम की बात करी, मैंने उनको बताया कि कैसे कि मैंने कुछ कपल ऑफ टेस्टिमोनियल्स भी रखे थे। नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट मे बी जो 5 लीड मैंने किसी ने मंगाई थी, 5 में से 2 लोग आर इंटरेस्टेड, किसी ने 15 लोग बुलाए थे, 15 में से 5 लोग आर इंटरेस्टेड, राइट? तो इससे क्या होगा, आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हो रिक्रूटमेंट को और जो भी लोग आपके नेटवर्क में काफी एक्टिवली प्रोस्पेक्ट करते हो, लीड्स लेके आते हैं और उनको चैलेंज रहता है रिक्रूटमेंट में, आप उनको हेल्प करते हो रिक्रूटमेंट में। नाउ इमेजिन मैं आपके अपने मेरे 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 पास आज दिन की 10 लीड आ गई थी और शाम को आप एक वेबिनार करते हो, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 10 लीड्स को कहा हाई लाइक यू नो थैंक यू सो मच, आज शाम को एक ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं हम, तो आप प्लीज अटेंड कर लेना एंड आई विल एंश्योर कि मैं फॉलो अप करूँ और उन लोगों को कहाँ पे लेके आऊँ, आपके ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी इवेंट में जो शाम को आप कर रहे हो। और जो ही आपका ऑनलाइन इवेंट खत्म हुआ मैं उन लोगों से फॉलो अप ले लूंगा, तो आपको कैसा लगा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एंश्योर लाइक यू नो 10 में से 3-4 लोग तो डेफिनेटली पॉजिटिव होके रीच आउट करेंगे करेंगे। सो वी हैव एक्चुअली ऑल्टरनेटिव्स, वी हैव एवरीथिंग विद अस, इज ऑल अ मैटर दैट लाइक यू नो कि हम इस चीज को काफी सीरियसली ले लें और अपने लिए देखें कि हम जल्दी से जल्दी अपने टेम्पलेट्स और रिक्रूटमेंट मीटिंग बनाएं और फिर काफी एक्टिवली अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू करें। तो वी कैन हैव अ कॉल टू एक्शन एज वेल इन लोगों के साथ कि आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो जो भी है, एंड यस ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हो और आपका एक फुल फ्लैश क्लोज ग्रुप हो सकता है जहाँ पे आप पूरे बिजनेस की बात करते हो, जहाँ पे आप लोगों को ट्रेन करते हो, जहाँ पे आप लाइव जाते हो, जहाँ पे आप टेस्टिमनी शेयर करते हो, जहाँ पे आप सक्सेस इवेंट करते हो। तो ग्रुप भी आपको, अगर आपके पास एक अच्छा क्लोज ग्रुप है तो वो भी आपको बहुत हद तक रिक्रूटमेंट में और इन सारी चीजों में हेल्प कर सकता है। ओके सो दैट इज ऑल फ्रॉम मी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस नाउ मैं आपके साथ रिकॉर्डेड वर्जन और ये पीपीटी शेयर कर लूंगा, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है अभी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सो आई कैन हैव अ लुक एट द चैट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक विद द आंसर्स। सी वेबसाइट के लिए तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एक्सपर्ट से बात करो, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांस एंड एजेंसीज हैं जो आपकी वेबसाइट बना सकते हैं, बट आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप राइट वे में अपना वेबसाइट बनाते हो, वरना आपका जो वेबसाइट में खर्चा होगा 15, 20, 30, 40 हज़ार का वो सारा वेस्ट हो सकता है। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू टॉक व्हाट्सएप लिंक, अगर आप हर जगह दोगे तो इट्स नॉट अ राइट वे। इससे क्या होगा, अगर आप हर जगह पे व्हाट्सएप लिंक देते हो तो आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा एंड ऑल्सो ये अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि आप हर जगह अपने व्हाट्सएप की लिंक डालते हो। सी फ्रेशर्स को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप नेटवर्क का सपोर्ट ले लो, इफ नॉट देन यू हैव टू बी रियली वेरी वेरी केयरफुल हाउ डू यू
प्रेजेंट यूर अपॉर्चुनिटी मीटिंग. वाई? बिकॉज अगर आप सिर्फ एक 3% हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इट्स चैलेंजिंग टू रिक्रूट. आई विल आइडियली रिकमेंड कि जो फ्रेशर्स हैं, आप अपनी अपलाइन, अपने नेटवर्क का सपोर्ट ले लो और वहाँ से ऐसे कुछ सक्सेस स्टोरीज एंड टेस्टिमोनी ले लो जो आपको अलाउ कर सकते हैं कि आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यू नो आपको नेटवर्क सारी चीज़ें देगा, बट येस, अगर आपको नेटवर्क से कुछ परमिशन मिलती है कि आप हमारी पिक्चर यूज़ करो, हमारी स्टोरी को यूज़ करो, तो एज अ फ्रेशर भी आप अपने अपलाइंस का यू नो एक अच्छा सा टेस्ट बनी, एक अच्छा सा टेम्पलेट बना के रिक्रूटमेंट शुरू कर सकते हो. बट येस, आपको पहले परमिशन ले लेना पड़ेगा उनसे. ओके गाइस, अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय ईमेल आईडी विद यू एंड नंबर ऑफ टाइम्स, तो आप मुझे इस नंबर पे ईमेल कर सकते हैं. और बाकी जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे मैं पीपीटी एंड रिकॉर्डेड वर्जन का लिंक वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा. ओके, मीनवाइल आई विल रिकमेंड कि आप थोड़ा सीरियस हो जाओ इस चीज़ को लेके एंड फिगर आउट कि आपको कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है. जैसे आपको टेम्पलेट बनवाने हैं, या आपको ओएम बनवाना है, या आपको एक वीडियो ओएम बनाना है, राइट? तो कुछ एलिमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो आपका बिजनेस इजी हो जाएगा, आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी. सो प्लीज पे अटेंशन, गो थ्रू द पीपीटी वंस अगेन और फिर देखो कि आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज टेक केयर एंड बी सेफ. आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रेनिंग्स फॉर द मंथ ऑफ जून. ओके, बाय बाय.